प्रभु कैसा है, सबका बोल दीजिए मित्र है। और मित्र की विशेषता यदि आप जानते हैं तो क्या है, कहते हैं मित्र की खासियत है कि आपके दुर्गुणों को छिपा देता है और सद्गुणों को बोलिए प्रकट कर देता है। ये मित्र के लक्षण भर्तृहरि हरि जी ने कहे। और अगर हमने अपने मित्र से संकट में कभी कुछ पैसा मांगा या कोई सहयोग मांगा तो वो दे देगा लेकिन कहेगा नहीं किसी को। आप दोनों ही चीजों में परमात्मा को तोलिए। क्या करता है वो, हमारे दुर्गुणों को बोल दीजिए ढक देता है, सद्गुणों को बोलिए प्रकट कर देता है। और देता हमें है लेकिन कभी कहता तो नहीं किसी से। हम क्या करते हैं कि साहब आज इस हमारे मंदिर को 501 रुपए या 10,000 रुपए हमने दान दे दिया, वो 10 दोस्तों को बताते हैं। कोई सांसारिक दृष्टि से ठीक हो सकता है कि आप प्रेरित करें कि भाई देखो मैं भी करता हूं आप भी कीजिए, लेकिन अहंकार भाव से मत कीजिए कि साहब देखो मैं रोग जमाने के लिए मैं मंदिर में दान दे के आया हूं, वो गलत। अरे आपके प्रभु ने भी तो आपको इतना कुछ दिया, आपने किसी को बताया कि मेरे मालिक ने मुझे दिया है? हम कहने की हिम्मत रखते हैं नहीं रखते? क्या कहते हैं, साहब मैंने परिश्रम किया, प्रभु ने मुझे शक्ति दी तो मैंने परिश्रम किया। लेकिन क्या बोल देना चाहिए साथ में कि नहीं, प्रभु ने प्रेरणा दी तो मैंने बोल दीजिए परिश्रम किया। अगर वो प्रभु प्रेरणा नहीं देगा तो वही हम परिश्रम क्यों कर पाएंगे उस दिशा में। परिश्रम तो आप देखिए, ये जो रिक्शा चलाने वाला ये भी करता है, फल बेचने वाला वो भी करता है, सब्जी बेचने वाला वो भी करता है, लेकिन मुझे आपको उस प्रभु ने कुछ ऐसी सुंदर प्रेरणा दी जिसके कारण हमारा परिश्रम फलवन हो गया, फलित हो गया। ये किसकी कृपा है बोल दीजिए, परम पिता परमात्मा की है, क्योंकि वो मित्र है हमारा। लेकिन हम उसको मित्र नहीं समझते ना, क्यों? अगर मित्र समझे, आप एक बात बता दीजिए, आपका जो सबसे क्लोज मित्र है, एक तो मित्र होगा सबका, जो आपका सबसे क्लोज मित्र है, जब वो आप उससे बात कर लेते हैं, आपको उसमें काम छोड़ दिया, फिर आप क्या हो जाते हैं बोल दीजिए, निश्चिंत हो जाते हैं ना। लेकिन जो प्रभु पल पल हमारी सहायता कर रहा है उस पर हम कोई छोड़ की चीज राजी नहीं है। लेकिन यहां पे मंत्र कहता है कि नहीं, विश्वास करो, अपने आप को जगाओ, वो तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, उसके अलावा और कोई मित्र नहीं हो सकता। और अगली चीज क्या है, वरुण है सम सर्वोत्तम सुख कारक, सर्वोत्तम सुख स्वरूप है। आप बता दीजिए सच्चा सुख कहां मिलता है आपको, भगवान के पास बैठने में। आपने मान लीजिए 1 घंटा हवन किया, अरे आपका आधा मिनट भी ध्यान लग गया तो शायद मैं समझता हूं जीवन भर की दौलत फीकी पड़ जाएगी आप।